क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपद और वर्तमान क्षेत्र। छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बिल्कुल सरल है। अवंती के में कौन सा क्षेत्र है? उज्जैन क्षेत्र, वत्स, ग्वालियर, बुंदेलखंड क्षेत्र, अनूप, निमाड़ क्षेत्र, तुड़ीगढ़, दमोह क्षेत्र, दर्शन, विदिशा क्षेत्र, चैदी, खजुराहो, नलपुर, नरवर, पीतनगर, खरगोन। ये क्या रहा? प्राचीन जनपद और ये क्या रहा? वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, मतलब जो अवंती था वो कौन है? उज्जैन। वत्स कौन है? ग्वालियर, बुंदेलखंड। अनूप, निमाड़ क्षेत्र, तुड़ीगढ़, दमोह, दर्शन, विदिशा, चैदी, खजुराहो, नलपुर, नरवर, पीतनगर, खरगोन। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा बोले अब आते, अब आते मेरे पास, यहाँ पर मैंने चलो लिख देता हूँ, मेरे पास दस चैन पीतल की। क्या कह रहा है? अब आ तू, मेरे पास दस चैन पीतल की। आप देखते हो पेड़ इस तरीके से उगता है, बोले उगा नीम दबी खनक। क्या कहोगे? उगा नीम दबी खनक। क्या कहोगे? अब आ तू, मेरे पास दस चैन पीतल की है, उगा नीम दबी खनक। अवंती उज्जैन, देखो ये मिल गया। अब यहाँ पर पढ़ो वाणी, अवंती उज्जैन, वत्स, ग्वालियर, अनूप, निमाड़, तुड़ीगढ़, दमोह, दर्शन, विदिशा, चैदी, खजुराहो, नलपुर, नरवर, पीतनगर, खरगोन। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।